दोस्तों, रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप का उपयोग कैसे करें ये आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप एक फ्री और ओपन सोर्स स्क्रीनकास्टिंग सॉफ्टवेयर है जो उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। स्क्रीनकास्टिंग सॉफ्टवेयर पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर मौजूद कैम स्टूडियो का उपयोग कैसे करें इस स्पोकन ट्यूटोरियल को देखें। मैंने पहले ही जीटे के रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप 0.3.8 संस्करण को डाउनलोड किया है और सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर द्वारा उसे मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल यानी स्थापित किया है। उबंटु लिनक्स पे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर मौजूद उबंटु लिनक्स के स्पोकन ट्यूटोरियल को देखें। रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन होने के बाद स्क्रीन के ऊपरी भाग में मौजूद उबंटु मेन मेनू पर जाएं, एप्लीकेशन पर क्लिक करें और साउंड एंड वीडियो का चुनाव करें। यह कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलेगा जहां आप जीटीके रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप एप्लीकेशन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें। यह जीटीके रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडो को खोलेगा। मेन एप्लीकेशन विंडो रिकॉर्डिंग के मूलभूत परिणामों को परिभाषित करने में मदद करेगा, जबकि ट्रे आइकन आपके रिकॉर्डिंग का रन टाइम कंट्रोल संभालने का काम करता है। रेड सर्कल जो कि रिकॉर्ड बटन को दर्शाता है सिस्टम ट्रे आइकन पर देख सकते हैं। सिस्टम ट्रे आइकन के तीन स्टेट्स हैं, रिकॉर्डिंग, स्टॉप और पॉज। रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप लॉन्च होने पर आइकन एक रिकॉर्ड साइन होगा जो है रेड सर्कल। जब कोई रिकॉर्डिंग शुरू होती है आइकन स्क्वायर यानी स्टॉप साइन में परिवर्तित होता है। आप देख सकते हैं कि दो स्क्वायर मौजूद है। इसकी वजह यह है कि मैं इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप का उपयोग कर रही हूं। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए हमें स्क्वायर आकृति पर राइट क्लिक करना होगा और आइकन पॉज साइन दो पतले समांतर और खड़े रेक्टेंगल में परिवर्तित होगा। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए पॉज साइन पर फिर से क्लिक करें। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए हमें स्क्वायर आकृति पर क्लिक करना होगा। कोई भी पैरामीटर्स को सेट करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। रेड सर्कल सिस्टम ट्रे आइकन पर राइट क्लिक करें। यह आपको मेन एप्लीकेशन विंडो को दिखाने या छुपाने का ऑप्शन है। जब आप एक रिकॉर्डिंग सेशन शुरू करोगे तब मेन विंडो डिफॉल्ट रूप से अपने आप को छुपा लेगा। मेन एप्लीकेशन विंडो को बताने के लिए इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। सिलेक्ट एरिया ऑन स्क्रीन, यह एक तरीका है जितने एरिया को रिकॉर्ड करना है उसे बताने के लिए। इस ऑप्शन को चुनने के बाद यह कर्सर को एक क्रॉस पेन के रूप में बदल देगा जिससे स्क्रीन को जितना कैप्चर करना है उसकी मदद से कर सकते हैं। स्क्रीन पर कैप्चर एरिया को देखें, जो भी इस कैप्चर एरिया में है वो रिकॉर्ड होगा। क्विट ऑप्शन से हम रिकॉर्ड माय डेस्कटॉप से बाहर आते हैं, ठीक मेन विंडो के बटन की तरह। एप्लीकेशन विंडो पर फिर से आने के बाद हमें बाईं ओर एक डिस्प्ले पैनल एक छोटे प्रीव्यू विंडो के साथ दिखाई देगा। यह हमारे डेस्कटॉप का घटाया हुआ रूप है जो कि रिकॉर्डिंग एरिया का चुनाव करने में हमारी मदद करेगा। इस पैनल के दाईं ओर हमें वीडियो तथा साउंड गुणवत्ता क्वालिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। डिफॉल्ट रूप से दोनों